उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने कार्यकाल के पूरे किए 3 साल, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें बधाई दी। रक्षा मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री ने उनकी लिखी पुस्तक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग का किया विमोचन। प्रदेश में सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी, आगामी रणनीति बनाने में जुटे दोनों राजनीतिक दल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को पत्र लिखकर रखी मांग, कहा जल जीवन मिशन के तहत मरुस्थलीय क्षेत्रों में 100% और अन्य में 90-10 के अनुपात में मिले केंद्रीय हिस्सा। प्रदेश में अब तक 39,273 कोरोना संक्रमित हुए स्वस्थ, आज 620 नए मामले आने के साथ ही प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा पहुंचा 54,000 के पार। और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का दौर जारी, पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक 117 मिलीमीटर बारिश फुलेरा में की गई दर्ज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अधिकतर जिलों में अच्छी बारिश की संभावना। नमस्कार, दूरदर्शन समाचारों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ भीम शर्मा। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उपराष्ट्रपति के कार्यकाल पर लिखी गई उनकी पुस्तक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग का ई वर्जन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उपराष्ट्रपति के भाषण हमेशा जमीनी समस्याओं से जुड़े हुए मुद्दों पर होते हैं। बतौर उपराष्ट्रपति 3 साल पूरे होने पर वेंकैया नायडू को बधाई दी है, साथ ही एक पत्र भी उन्होंने साझा किया जिसमें उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में एम वेंकैया नायडू के कामकाज की प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके कार्यकाल पर कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया और सूचना और प्रसारण मंत्री ने इसका ई वर्जन जारी किया। इस खास मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 2 साल लगातार व्यस्त रहने के बाद वो इस समय कोरोना वायरस काल के दौरान कोशिश कर रहे हैं कि किसानों, छात्रों, वैज्ञानिकों और उद्योगपतियों और डॉक्टरों समेत तमाम वर्गों के साथ संवाद करें और उनके विचारों को जानें। पब्लिकेशन टाइटल्ड कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग प्राइमरली डिफाइंस द कंटूर्स ऑफ माय मिशन एंड द आउटकम्स। द लास्ट 1 ईयर सिंस अगस्त 2019 हैज बीन ए मिक्स ऑफ हेक्टिक पब्लिक engagements over the first about 8 months, followed by the corona-induced uneasy slowdown. The first phase was marked by about 20 public engagements per month. I spoke at over 70 public events on a range of issues and addressed 14 convocations during this period. The main objective of connecting and communicating with these target groups was to share with them my experiences, my concerns, my worldview, and the way forward for building a new India, strong, stable, prosperous India. आदरणीय वेंकैया जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। केवल युवाओं से नहीं बोलते हैं बल्कि वो दिल से बोलते हैं और इनके भाषण में इनके भावनाओं की अभिव्यक्ति, इनकी जो भीतर की फीलिंग्स होती हैं उनका एक्सप्रेशन, यह हमको देखने को मिला है। राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए भी मैंने महसूस किया है कि हमारे आदरणीय वेंकैया नायडू जी सचमुच कितने भावुक व्यक्ति हैं। जो वेंकैया जी जो भाषण देते हैं, अब यह तीसरा खंड प्रकाशित हो रहा है, मैं तो कहूंगा कि सभी कॉलेज के छात्र या जिनको भी अच्छा भाषण सीखना है, अच्छा भाषण करना है, अच्छे संदर्भ जुटाना है, वो अगर केवल वेंकैया जी के भाषणों को फॉलो करेंगे तो भी वो कभी भाषण में पूरा विचार होता है, पूरी इमोशन होती है, और उसके साथ साथ एक जिस तरह से भाषा का सीधा प्रवाह चलता है वो बहुत काबिले तारीफ है।
राज्यपाल कलराज मिश्र ने युवाओं को जॉब प्रोवाइडर बनाए जाने की आवश्यकता प्रतिपादित की है। राज्यपाल ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए युवाओं के नवाचारों को सराहाया जाना चाहिए और उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के अवसर प्रदान करने चाहिए। राजभवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की आपातिक अनुक्रिया समूह इकाइयों के प्रवर्तन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि लोकल को वोकल और ग्लोबल बनाने के लिए स्थानीय प्रतिभाओं के नवाचारों को आगे बढ़ाना होगा। प्रदेश में सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दोनों ही राजनीतिक दल 14 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र की तैयारियों की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। इस संबंध में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी से मुलाकात की। बाद में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मीडिया से रूबरू हुए। हम केवल और केवल राजस्थान की विधानसभा में जो सत्र आहूत किया गया है उस 14 तारीख के सत्र को लेकर के और उसमें क्या चर्चा, जनता के मुद्दों को किस प्रकार से हम चर्चा करके उनका समाधान करें और उनके लिए राजस्थान में जो भी पानी की, बिजली की, सड़क की, कोरोना की, जिस तरह की भी समस्याएं उनके समाधान के लिए चर्चा। निश्चित रूप से जब कांग्रेस में 7 जो बसपा के 6 जो माननीय सदस्य थे उन्होंने मर्ज कर लिया, वो आज कांग्रेस के सदस्य हैं, तो उनकी तरफ से कांग्रेस पार्टी जरूर पार्टी बनेगी जहां भी आवश्यकता होगी और पैरवी करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, 5 साल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही रहेगा और निश्चित रूप से आप मान के चलिए बहुत अच्छे तरीके से हम लोग काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में कुछ स्वाभिमानी लोग जो ये कह रहे थे कि 125 की संख्या वाले इस चुनी हुई सरकार को गिराना क्यों चाहते हो, आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, तो आप क्यों करना चाहते हो, तो उनकी बोली बंद करने के लिए इस तरीके का ये षड्यंत्र किया गया है, मैं समझता हूं। वो भी राजस्थान नहीं मिला उनको, उनको गुजरात मिला ले जाने के लिए। प्रदेश में चल रहे राजनीतिक हालातों के बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए उनको इस पूरे घटनाक्रम के असली किरदार बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने सचिन पायलट की कांग्रेस आलाकमान से हुई मुलाकात को कांग्रेस का आंतरिक मामला बताया। अभी अपुष्ट जानकारी मिली, मुलाकातें हुई, क्या बातें हुई, न आपको पता न मुझे पता, लेकिन जिस तरीके का दृश्य उत्पन्न हुआ, आप लोग यदि संज्ञान में लाएंगे तो हमने पहले दिन से कहा था ये इनके अपने घर का झगड़ा है। इस पूरी रामलीला के 31 दिन तक न भाई जागा न बहन जी जागी और उससे पहले बेचारी कांग्रेस लगातार इधर से उधर भागी, लेकिन जनता के हाथ में क्या आया? तो मैंने कहा कि एक तो 31 दिन का ऑडिट होना चाहिए जनता की अदालत में, जो सारा घटनाक्रम हुआ उसका लेखा जोखा तो राजस्थान की जनता अपनी अदालत में लेगी, जो भगवान की और न्यायपालिका की अदालत के बाद तीसरी बड़ी अदालत है। लेकिन इससे कांग्रेस का असली चरित्र जनता के सामने फिर से आ गया। इस पूरे घटनाक्रम के जिन्होंने नायक बनने की कोशिश की, जो खलनायक हैं, उनको यदि उनकी पार्टी समझौता भी नहीं करती है तो भी इस 21 दिनों में देश और दुनिया में राजस्थान की छवि को तार तार किया, ऐसे अशोक गहलोत जी को नैतिकता के आधार पर अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए ताकि काफी कुछ समस्याओं का समाधान हो सके। प्रदेश में विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में गिरफ्तार संजय जैन की रिमांड अवधि समाप्त होने पर एसओजी ने आरोपी को भ्रष्टाचार मामले की विशेष अदालत में पेश किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपने का आदेश दिया। 12 तारीख तक ऑनरेबल कोर्ट ने रिमांड पर दिया, पीसी रिमांड पर। माननीय न्यायालय को पेश करेंगे क्योंकि उनके वारंट पर सर्च करिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पत्र लिखकर जल जीवन मिशन के तहत मरुस्थलीय क्षेत्रों में 100% और अन्य में 90-10 के अनुपात में केंद्रीय हिस्सेदारी उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी परिवारों को नवंबर 2020 तक निःशुल्क अनाज देने का निर्णय किया। मुख्यमंत्री निवास पर कोविड-19 महामारी संक्रमण की स्थिति की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि वर्तमान परिस्थिति में गरीब आदमी के लिए यह बहुत जरूरी है कि उसे समय पर राशन मिले। राज्य में अब तक 39,273 कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। इनमें 36,524 को अस्पताल से इलाज के बाद छुट्टी मिल गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज सुबह 620 नए मामले आने के साथ ही इनका आंकड़ा 54,290 पर पहुंच गया। आज सबसे ज़्यादा सीकर में 143 संक्रमित मिले। इसके अलावा कोटा में 137, अजमेर और जयपुर में 60, नागौर में 52, पाली में 50, झालावाड़ में 40, बाड़मेर में 35, डूंगरपुर राजसमंद में 14, बारा में 9, चित्तौड़गढ़ में 4 और प्रतापगढ़ में 2 मामले शामिल हैं। विभाग के अनुसार आज 10 कोरोना संक्रमित लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही इस बीमारी से अब तक 810 लोगों की मौत हो चुकी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि सरकार कोरोना जाँच में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। प्रदेश में 30,000 जांचें रोजाना हो रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रिकवरी रेशो को बेहतर बनाने और मृत्यु दर को निरंतर कम करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चिकित्सा मंत्री ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए सरकारी गाइडलाइन की पालना करने का आह्वान किया। कोरोना काल में प्रदेश का पहला प्लाज्मा दान शिविर झुंझुनू में आयोजित किया गया, जिसमें कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए 48 योद्धाओं ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया। इन योद्धाओं में झुंझुनू के 30 और चूरू के 18 डोनर शामिल हुए। इस मौके पर जिला कलेक्टर उमरुद्दीन खान ने आह्वान करते हुए कहा कि कोरोना महामारी को हराकर स्वस्थ हुए लोगों से अधिक प्लाज्मा डोनेट करें ताकि संक्रमण से पीड़ित लोगों की जान बचाई जा सके। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की दृष्टि में निर्देश दिए थे कि जिलों में प्लाज्मा थेरेपी और प्लाज्मा डोनेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाकायदा प्रोत्साहित करें। इस संदर्भ में हमारे ज़िले में एक अच्छा प्रयास हुआ है। शायद राजस्थान में मेडिकल कॉलेजों के बाद में झुंझुनू में अच्छा प्रयास हुआ है कि यहाँ पर प्लाज्मा डोनेशन करने के लिए करीब 50 लोग पहले कोरोना पॉजिटिव थी, उनका इलाज हो चुका था, वो लोग आ रहे हैं और कुछ तो आगे हैं। और हमारा प्रयास है कि इस जो थेरेपी है और जो ब्लड डोनेशन का काम है इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे, जिससे कि हमारे जो नागरिक, हमारे जो प्रदेश और जिले के जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से कोरोना से जल्दी मुक्ति मिल सके। एमएस हॉस्पिटल से हमारी ये टीम प्लाज्मा डोनर्स के सैंपल्स कलेक्शन के लिए आई है। यहाँ पर लोगों ने आपस में प्रयास करके प्लाज्मा डोनर्स को कलेक्ट किया है। इनके की सैंपल्स हम यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं, जिनसे कि हम उनका प्लाज्मा किसी जरूरतमंद लोगों तक पहुँचा सके, इनकी जीवन रक्षा हो सके। कोरोना पेशेंट्स जो पहले पॉजिटिव थे बाद में नेगेटिव हो गए, ऐसे लोगों का प्लाज्मा हम कलेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि जो पेशेंट अभी कोरोना से पीड़ित हैं और गंभीर स्थिति में हैं उनकी जीवन रक्षा के लिए इसको उपयोग किया जा सके। कोरोना महामारी के बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर एम्स ने 1200 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया है और उपचार के बाद रोगियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी। एम्स के निदेशक प्रोफेसर संजीव मिश्रा ने बताया कि कोरोना मरीजों का इलाज विश्व स्तरीय मानकों के आधार पर किया गया। ठीक हुए मरीजों को पुनः स्वास्थ्य जांच के लिए एम्स बुलाया जाएगा। ट्रीटमेंट करा के ठीक होके गए और इसमें जो हम लोग के जितने डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्थ केयर वर्कर्स, हॉस्पिटल अटेंडेंट्स, हाउसकीपिंग, जितने भी रेजिडेंट्स, फैकल्टी, सबका इसमें पेशेंट्स को देखने में और उनको मैनेज करने में उनका पूरा 100% से ज़्यादा एफर्ट रहा है और कोरोना जागरूकता अभियान के तहत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को बीकानेर कलेक्टर सभागार में सम्मानित किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर AH गौरी ने 38 विजेताओं को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण में सावधानी बरतने के अलावा इसका कोई और उपचार नहीं है।
देखा होगा अभी कि कोविड जागरूकता के लिए जो पखवाड़ा बनाया गया था, बाद में उसको आगे 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था, उसमें लोगों ने, यहाँ के स्थानीय लोगों ने जो हमने प्रोग्राम तय किए थे उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया और सबने, जैसे मानो हर एक फील्ड में, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे कविता पाठ हो, चाहे स्लोगन हो, चाहे आपका जैसे मान लो जो है रंगोली हो, उन सब में अच्छा काम किया। और अभी आप, मैंने सदन को संबोधित करते हुए आह्वान किया है कि अभी ये अभियान रुका नहीं है, अभी ये शुरुआत है। और शुरुआत में आपको हमने जिले के एक तरह से वॉरियर्स बना के इस बात को और आगे फैलाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया गया है। जयपुर विकास आयुक्त गौरव गोयल की अध्यक्षता में राजस्व वृद्धि करने के उद्देश्य से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक, वित्त अभियांत्रिकी आयोजना के निदेशक सहित अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक मौजूद रहे। बैठक में आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जेडीए द्वारा लॉन्च की जा रही 4 आवासीय योजनाओं में प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर मूलभूत सुविधाओं विकसित की जाएं ताकि आमजन को सहूलियत हो सके। ऊर्जा एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने जिला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जैसलमेर को अव्वल पहचान दिलाए जाने के लिए भरपूर प्रयासों का आह्वान करते हुए अधिकारियों से कहा कि इसके लिए विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों में लक्ष्य पूर्ति के प्रति अभी से विशेष गंभीरता बरतते हुए टीम भावना से सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। अगस्त क्रांति सप्ताह के दौरान जयपुर नगर निगम और स्काउट गाइड के संयुक्त तत्वाधान में जवाहर सर्किल, अल्बर्ट हॉल और स्टैच्यू सर्किल पर सफाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर नगर निगम जयपुर ग्रेटर आयुक्त दिनेश कुमार यादव ने कहा कि अगस्त क्रांति सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने का कार्यक्रम चल रहे हैं, उनके तहत में अगस्त क्रांति सप्ताह के रूप में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रम राज्य सरकार के निर्देशानुसार आयोजित किए जा रहे हैं। आज स्टैच्यू सर्किल पर NSS, स्काउट गाइड, सुलभ इंटरनेशनल आदि के सहयोग से सफाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसके साथ साथ ही नगर के और विभिन्न क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम इस अगस्त क्रांति सप्ताह के अवसर पर आयोजित किए गए हैं। दोशा नगर परिषद में अनियमितता की जांच करने जयपुर से स्वास्थ्य शासन विभाग की टीम नगर परिषद दोसा पहुंची। स्वास्थ्य शासन विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर प्रवीण कुमार और उप निदेशक रेणु खंडेलवाल के नेतृत्व में जांच टीम ने विभिन्न पहलुओं की जांच पड़ताल की। टीम द्वारा आगामी 3 दिनों में यह रिपोर्ट स्वायत्त शासन विभाग को सौंपी जाएगी। जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई। मीडिया समन्वयक शास्त्री कौशलेंद्र दास ने बताया कि विद्यार्थियों के पास शास्त्री आचार्य कक्षाओं के लिए वेद, ज्योतिष, साहित्य, व्याकरण और दर्शन विषय में आवेदन करने का विकल्प है। विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। झुंझुनू के विवानी धाम में अगस्त क्रांति सप्ताह के अवसर पर श्रमदान किया गया। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि इस कार्यक्रम का मकसद लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाना है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 7 दिन का प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। आज इसमें दूसरा दिन है। इसमें जो शेड्यूल प्रोग्राम था वो किसी गंदी बस्ती या कोई इस तरह का पार्क या सामुदायिक जो जगह थी उसकी साफ सफाई का आज प्रोग्राम था, उसके तहत हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। सबका उद्देश्य यही है कि जो सफाई का काम है, गंदगी हटाने का काम है, बहुत ही अच्छा काम है, कोई हल्का काम नहीं है, उसको उसका संकेत देने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत भीलवाड़ा शहर के काशीपुरी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया गया। इस अवसर पर CMHO डॉक्टर मुश्ताक खान, नगर परिषद पूर्व सभापति मंजू पोखरना, RSCHO डॉक्टर CP गोस्वामी मौजूद रहे। गुड़ चना
क्योंकि गर्भवती माताएं जो है कई बार खून की कमी से ग्रसित रहती है, तो गुड़ और चना उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो आज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 50 गर्भवती माताओं को जो महावीर इंटरनेशनल मीरा की तरफ से आज गुड़ चना दिया गया है, तो एक बहुत अच्छी पहल है। ज़िले में सब जगह जो है इसको शुरू करेंगे और माननीय जिला कलेक्टर महोदय चाहते हैं कि कोई भी गर्भवती माता जो है खून की कमी की वजह से उसकी मृत्यु ना हो और होने वाले जो बच्चे हैं वो बिल्कुल तंदुरुस्त रहे, तो पूरे ज़िले में जो है इस कार्यक्रम को हम लोग जो बढ़ाएंगे और आज एक बहुत अच्छी पहल के साथ जो है इस काम को शुरू किया गया। दौसा ज़िले में खरीफ की अच्छी फसल हो इसी को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग की टीम ने कई क्षेत्रों में जाकर फसलों का अवलोकन किया। किसानों को बाजरे की फसल में फड़का कीट से बचाव के लिए तकनीकी सलाह दी। कृषि विभाग के अधिकारियों ने कृषि पर्यवेक्षकों और सहायक कृषि अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में लगातार फसलों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया और बाजरे की फसल में कीट रोग प्रकोप का जायजा लेकर के किसानों को उचित तकनीकी सलाह दी गई है और जो हमारे सभी कृषि पर्यवेक्षक सहायक कृषि अधिकारी है उनको निर्देशित किया गया है कि आप भी अपने क्षेत्र में फसलों का निरीक्षण करके और किसानों को आवश्यक तकनीकी जानकारी देकर कीट रोग नियंत्रण की कार्रवाई करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 17,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने पर सांसद निहाल चंद मेघवाल और किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। निहाल चंद मेघवाल ने कहा कि इस योजना से किसान कृषि औजार और उपकरणों के लिए बैंकों से वित्तीय मदद ले सकेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि में 17,000 करोड़ रुपए का किसानों के खाते में डाले हैं। मैं मेरी तरफ से मेरे लोकसभा क्षेत्र के किसानों की तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतनी बड़ी राशि किसान के खेत में आई है। 1,00,000 करोड़ का नया फंड जो किसानों के लिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया है, किसान उसमें से कोई भी औजार ले सकता है, बैंक द्वारा ये औजार दिए जाएंगे। इसके लिए भी मैं देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि 1,00,000 करोड़ रुपये का एक फंड उन्होंने एग्रीकल्चर एक डेवलपमेंट फंड बनाया है, उनके लिए भी धन्यवाद। और किसान के खाते में आज जो किस्त आ रही है, आज 17,000 करोड़ रुपए यानी 6,000 रुपये प्रति साल के हिसाब से किसान के खाते में किस्त आ रही है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं किसान जिम्मेदार हूँ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमारे जो 6,000 योजना चल रही है किसान के लिए, वो पहले भी आए हैं, आज भी आ रहे हैं और आज भी हमारे खाते में आए हैं, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने किसानों की सहायता के लिए जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना लागू की है उसका किसानों को बहुत लाभ मिला है। आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17,000 करोड़ रुपये किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों के खाते में डलवाए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और इस राशि से किसानों को जो है अपने छोटे छोटे खेत की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरा पूरा सहयोग मिलता है। किसान प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के अंदर जो 6,000 रुपये साल के सालाना मिलते हैं वो पीछे भी आए थे और आगे भी मिलेंगे। आज भी उन्होंने 2,000 रुपये सब किसानों खाते में डाल दिए। बाड़मेर जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर पुलिस ने सीमा पार से लाई गई 2 किलो 740 ग्राम हीरोइन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि बरामद की गई हीरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 18 करोड़ रुपए बताई जा रही है। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में सर्वाधिक 117 मिलीमीटर बारिश फुलेरा में दर्ज की गई। विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में जालौर और उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर और अजमेर जिले में अच्छी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में अधिकतर जिलों में अच्छी बारिश की संभावना जताई है। डीडी राजस्थान पर प्रसारित सभी समाचार आप हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज पर देख सकते हैं तथा खबरों के अपडेट के लिए हमारे ट्विटर हैंडल @DDNewsRajasthan को फॉलो कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने कार्यकाल के पूरे किए 3 साल, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें दी बधाई। रक्षा मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री ने उनकी लिखी पुस्तक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग का किया विमोचन। प्रदेश में सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी, आगामी रणनीति बनाने में जुटे दोनों राजनीतिक दल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को पत्र लिखकर रखी मांग, कहा जल जीवन मिशन के तहत मरुस्थलीय क्षेत्रों में 100% और अन्य में 90-10 के अनुपात में मिले केंद्रीय हिस्सा। प्रदेश में अब तक 39,273 कोरोना संक्रमित हुए स्वस्थ, आज 620 नए मामले आने के साथ ही प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा पहुंचा 54,000 के पार। और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का दौर लगातार जारी, पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक 117 मिलीमीटर बारिश फुलेरा में की गई दर्ज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अधिकतर जिलों में अच्छी बारिश।